السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم दुनिया और हमारे मुल्क की तारीख के बहुत अहम मोड़ पर मुंबई के तारीखी मैदान आज़ाद मैदान में जमा होकर तारीख लिखने वालों आप सबको सबसे पहले दिल की गहराइयों से सलाम आपको मुबारकबाद। आज आप सबकी यहाँ पर मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि आप ना सिर्फ हालात से बाखबर हैं, हालात की खबर रखते हैं बल्कि फिक्र भी रखते हैं। हम सब जो आज यहाँ पर आए हैं, जमा हुए हैं, हम सब का यहाँ आना और जमा होना ये इस बात की निशानी है कि हमारे दिल बेचैन हैं। और बेचैनी किस बात की है? बेचैनी इस बात की है कि हम खुली आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पूरी दुनिया के हालात अजीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। खास तौर पर हमको बेहद फिक्र है अपने इस प्यारे मुल्क की, जिसकी हालत हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। हम सब जानते हैं कि ये कुदरत का कानून है कि उसने इंसान को पैदा करने से पहले ही ये ऐलान किया था कि हम अपना एक खलीफा, एक जानशीन, एक वाइस दुनिया में बना रहे हैं और उसके हाथों में दुनिया का सिस्टम देंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया के सिस्टम को इंसानों के हाथों में दिया जाता है, इंसान चलाते हैं घर के लेवल से लेकर और मुल्कों के लेवल तक दुनिया का सिस्टम इंसान चलाते हैं। कुदरत ने एक और कानून ये बनाया है कि वो हर एक को मौका देती है, खुदा हर एक को मौका देता है कि वो अपने मुल्क के ऊपर हुकूमत करे और ये साबित करे कि वो हुकूमत के लायक है और वो उसके जरिए से खिदमत करेगा। हर कौम को मौका मिलता है, हमारे मुल्क में भी मौका मिला, बहुत सारी कौमों को मिला, लंबी तारीख है। लेकिन इस वक्त जिनको मौका मिला है, तफसील में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम में से हर एक वाकिफ है कि क्या हाल कर रखा है उन्होंने इस मुल्क का। मुल्क के मसाइल इतने ज्यादा हैं और इतनी भयानक शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, मुल्क भुखमरी की लिस्ट में बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। बुरा हाल है भुखमरी से, बेरोजगारी से, गरीबी से,
साफ हवा जैसा बेसिक राइट कितने स्टेट्स के शहरियों को नहीं मिल पा रहा है। बहुत से मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए था, जिनका ख्याल रख करना चाहिए था हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, लेकिन उन इश्यूज पर बिल्कुल ध्यान न देकर हमारा भी ध्यान वहां से हटाने के लिए नॉन इश्यूज को खड़ा किया गया है, हमेशा खड़ा किया जाता रहा है, इस वक्त भी खड़ा किया गया है। बड़े ही जालिमाना कानून बनाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक झूठ बोले जा रहे हैं। तफसील में जाने का मौका नहीं है और शायद जरूरत भी नहीं है, आप सब जानते हैं। बस हम सबको अपनी आंखें खुली रखना है, किसी झूठ के धोखे में नहीं आना, किसी जुल्म का साथ नहीं देना, किसी कीमत पर इन जालिमाना कवानीन को बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इसके खिलाफ इसलिए खड़े हैं कि इससे हमारे वजूद पर चोट पड़ती है, नहीं, इससे हमारे मुल्क पर चोट पड़ती है, मुल्क की सालमियत पर चोट पड़ती है, मुल्क के अमन पर चोट पड़ती है। और हम सिर्फ अपने को बचाने के लिए हरगिज नहीं, इस मुल्क के हर शहरी और उसके हर हक को बचाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक जान रहेगी और इस मुल्क में इंसाफ और अमन कायम नहीं हो जाएगा। बस आखिर में चंद लाइंस आपके सामने अर्ज करके आपसे रुखसत होना चाहती हूँ कि हम बेटियां फूल होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम ही तलवार और अंगारा भी बन जाती हैं। हम बेटियां हैं उम्मे अम्मारा की, हंसा की, झांसी की रानी की और माता जिजाऊ की, और हम ये साबित करके रहेंगे। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को पहले भी आजाद कराया था और हम इस मुल्क को अभी फिर एक मर्तबा टूटने या गुलाम होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।